So, namaste Sagittarius people. I hope you're doing well. If you're coming to my channel, if you're watching my video for the first time, please subscribe to my channel Tarot by TJ. And देखते हैं Sagittarius people के लिए जिनकी राशि Sagittarius है, Sun, Moon और Rising, जैसे भी आप consider करते हैं, जैसे भी आप follow करते हैं अपना zodiac sign. November का month आपके लिए कैसा जाने वाला है, क्या messages हैं आपके लिए God की तरफ से, universe की तरफ से और angels की तरफ से. November 2020 for Sagittarius people. Six of Pentacles, Eight of Swords, Four of Swords and the Tower. Okay. तो कुछ depressing situation जो है वो mid month के around arise हो सकती है. That is लगा लीजिए करीब 12 तारीख से लेकर 27 तारीख तक ये सिचुएशन चल सकती है. एंड बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, नवंबर के महीने के एंड तक कोई ना कोई एक रिलेशनशिप या कोई एक नेगेटिव सिचुएशन आपकी लाइफ में ओवर होने वाली है, जिसकी जो फाउंडेशन थी वही गलत चीज पर थी. ओके, तो ये वर्क रिलेटेड सिचुएशन भी हो सकती है, ये आपका कोई ऐसा रिलेशनशिप भी हो सकता है जो बहुत टाइम से आपको ट्रबल दे रहा था, बहुत टाइम से आपको प्रॉब्लम में रखा हुआ था, जिस चीज ने वो चीज यहाँ पे खत्म हो सकती है. फाइनेंशियली मैं देख रही हूँ कि आपके बैलेंस जो है, आपका बैंक बैलेंस अच्छा बना रहेगा और आप अगर किसी से हेल्प एक्सपेक्ट कर रहे थे तो आपको वो हेल्प भी मिलेगी. एंड अगर आपसे कोई हेल्प मांगता है इस महीने तो आई बिलीव ये आपके लिए गाइडिंग मैसेज है और आप हेल्प कर सकते हैं, तो प्लीज कीजिएगा. ओके, और मैसेजेस क्या हैं आपके लिए? इम्पॉर्टेंट डेट्स जो यहाँ पे हो सकती है, 6 तारीख, 8 तारीख, 4 तारीख और 16 तारीख, ये डेट्स हो सकती हैं आपके लिए इम्पॉर्टेंट नवंबर के मंथ में सेजिटेरियस. और मैसेजेस आपके लिए क्या है? ह्यूमिलिटी, एलिमिनेटिंग डिसीट एंड लॉस ऑफ अ लव्ड वन. समवन इज गोइंग, कोई जा रहा है आपकी लाइफ से बाहर इस महीने, वेदर ड्यू टू डेथ और डाइवोर्स. द लॉस ऑफ अ लव्ड वन लीव्स वन हॉरेंडस होल बिहाइंड. जब भी हमारी लाइफ से कोई पर्सन जाता है, कोई भी इंसान किसी भी कारण से, तो एक खाली जगह वो इंसान छोड़कर जाता है. द ओनली वे टू अचीव वेलनेस इज टू गेट आउट ऑफ योर सेल्फ बाई इमिडिएटली हेल्पिंग अदर्स. और अगर आप अपने आप को बेहतर फील कराना चाहते हैं, अगर आप वो प्यार एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, वो सपोर्ट एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो आपको वो चीज़ दूसरों को देनी भी होगी. जो चीज़ आप दूसरों से एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, जो चीज़ आप अपनी लाइफ में चाहते हैं, वो फीलिंग आपको दूसरों को देनी भी होगी. एलिमिनेटिंग डिसीट, कोई पर्सन है जो आपकी आंखों में धूल झोंक रहा है या कोई आपको चीट कर रहा है. लाइज करप्ट द सोल. व्हेन यू लाई यू नॉट ओनली डिसीव समवन एल्स, यू फूल योरसेल्फ एज वेल. स्पिरिचुअलिटी इज फाउंड इन ट्रूथ. जब आप किसी से झूठ बोलते हैं या आप किसी का मिस यूज करते हैं, तब आप सिर्फ सामने वाले से नहीं, आप खुद से भी झूठ बोलते हैं. आप अपनी भी डिसरिस्पेक्ट करते हैं उतनी ही जितनी आप सामने वाले पर्सन की कर रहे हैं. ओके, एलिमिनेटिंग डिसीट, लॉस्ट ऑफ अ लव्ड वन. सो मे बी कोई एक पर्सन ऐसा है अगेन जो आपको बहुत टाइम से चीट कर रहा था, या आपके लव लाइफ से रिलेटेड हो सकता है ये मैसेज. गाइज, मोस्टली लोगों के लिए बहुत प्रॉब्लम जहाँ पे क्रिएट हुई भी थी विद एट ऑफ सॉर्ड्स, आप बिल्कुल फंसा हुआ महसूस कर रहे थे, या नवंबर में भी ये सिचुएशन, ये फीलिंग्स जो हैं पीक पर पहुँच सकती हैं. और पीक पर पहुँचने के बाद इस नेगेटिव सिचुएशन का एंड हो जाएगा. ह्यूमिलिटी, अनदर मैसेज फॉर यू सेजिटेरियस नवंबर 2020. ह्यूमिलिटी इज अ मेजर कॉम्पोनेंट इन बीइंग थैंकफुल. बट बींग टू हम्बल लीव्स द सोल इन अ स्टेट ऑफ फीलिंग नॉट वर्दी. अगर आप किसी इंसान के लिए या किसी के लिए भी आप इतना ज़्यादा गिविंग हो जाएं, इतने ज़्यादा आप लीनियंट हो जाएं, तो फिर मुझे लगता है कि आप खुद की ही वैल्यू खो देते हैं कहीं ना कहीं. बी हम्बल बट टेक प्राइड इन द फैक्ट दैट यू हैव मेड इट इन लाइफ विद गॉड्स ग्रेस. आप हम्बल रहिए, दूसरों की मदद भी कीजिए, लेकिन अपनी वैल्यू बिल्कुल भी किसी भी सिचुएशन में कम मत होने दीजिए. अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट किसी भी सिचुएशन में कम मत होने दीजिए. ऐसा ना हो कि आपकी अच्छाई की वजह से कोई इंसान जो है आपका अननेसेसरी फायदा उठाए.
मे बी ये इस सिचुएशन के बारे में है. सेजिटेरियस 2020 नवंबर 2020 आपके लिए गाइडिंग मैसेज क्या है? गाइडिंग मैसेज फ्रॉम एंजल्स गॉड एंड द होली स्पिरिट. What are the guiding messages for you? Okay. The answers you need are coming. अगर आप किसी सवाल का जवाब जानना चाहते थे, किसी सिचुएशन में आप बहुत टाइम से स्टक थे, वो जवाब आपको मिलने वाला है. Adjustments are required. किसी ना किसी तरीके से आपको अपने सोच में या अपने इमोशंस में एडजस्टमेंट यानी कि कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है. बिलीव इन द इम्पॉसिबल. अगर आपको लगता है कि लाइफ बिल्कुल आपके कंट्रोल से बाहर चली गई है या कोई एक स्पेसिफिक सिचुएशन है जो कभी हील नहीं होगी या आप अंदर से कभी बेहतर फील नहीं करेंगे, तो ऐसा कभी भी नहीं होता. गॉड जो है, हमारे गार्जियन एंजल्स जो हैं, वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं. वो हमको दिखाई नहीं देते, लेकिन वो हमेशा हमको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, हमेशा हमको गाइड करने की कोशिश करते हैं. तो बिलीव इन द इम्पॉसिबल. बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव. किसी एक सिचुएशन में आपको आगे बढ़ के कुछ एक्शन लेने की ज़रूरत है. अभी आप बेहतर तरीके से जानते होंगे गाइज कि ये आपके करियर से रिलेटेड है या फिर ये आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है. आपको कहाँ एक्शन लेने की ज़रूरत है और आपको कहाँ बोल्ड होने की ज़रूरत है. क्या ये उस इंसान के साथ है जो अननेसेसरीली आपका फ़ायदा उठा रहा है, या फिर ये आपके करियर से रिलेटेड कोई गाइडिंग मैसेज हो सकता है. ओके सेजिटेरियस पीपल, ये थी रीडिंग आपके लिए नवंबर 2020 के मंथ के लिए. आई होप इस रीडिंग के ज़रिए आपको कुछ गाइडेंस मिली हो. एंड कोई टॉपिक अगर आप सजेस्ट करना चाहते हैं पिकअप आयल रीडिंग के लिए या जनरली किसी भी रीडिंग के लिए, तो प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा. और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा. मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट टाइम. तब तक के लिए नमस्ते एंड टेक केयर.